देखो नट का गैप कितने दूर है, तो ये बढ़ गया ना। ये नॉर्मल पीसीडी में है, अब ये स्कॉर्पियन की पीसीडी में जाएगा तो इतना बढ़ जाएगा। ऐसे कोई बंदा कुछ भी कहना चाहे तो कुछ भी कह सकता है भाई, ठीक है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग कुछ भी कह सकते हैं। देन ये डिजाइन भी है भाई, ये है, ये तो उसमें आता है भाई, ये फर्क वो फर्क, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। केयर करो आप नहीं करो, आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years कुछ कन्वर्टर्स ऐसे बनते हैं जो यहाँ हमारा टायर लगता है, ये ओरिजिनल हमारे स्टड हो गए, कन्वर्टर्स पे जाए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में सब लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। मैं एंजॉय कर रहा हूं भाई वेलोसिटी टायर पे रमन भैया के साथ। हम आए हुए भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के अंदर भाई अलॉयज डलवाने के लिए। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे पहुंचा था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि मेरे को 18 इंच डलवाना है या 20 इंच डलवाना है। 18 इंच के मैंने डिजाइन देखे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि जो पीसीडी है स्कॉर्पियन की वो बड़ी है भाई। मामा पीसीडी क्या होती है वो आपको सिंपल आसान सरल भाषा में, क्योंकि रमन भैया से पूछूंगा तो रमन भैया तो पूरा वो होता ना प्रोफेसर वाला लेक्चर होता है, 50 मिनट का वो पिला देंगे हमारे को। तो आपको पीसीडी समझाता हूँ। ये जो गैप है ना नट्स का, ये पीसीडी होता है, ठीक है, ये होता है भैया कॉमन भाषा में। ये जो गैप है ये बड़ा हुआ है जो स्कॉर्पियन के अंदर है। नॉर्मली भैया कॉमन जो पीसीडी होती है वो कौन सी होती है? 114.3 into 5 ये चलती है। 112 ज्यादातर जितनी भी ऑडी मर्सिडीज वगैरह देखेंगे वो 112 में आती है। वैसे जो आपने बोला सबसे कॉमन है 114.3 into 5, दैट इज द मोस्ट कॉमन पीसीडी। और जो हमारी स्कॉर्पियन की पीसीडी है वो है 139.7। तो अब आप ये देख लो इनटू 5 होल्स, तो वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। अब मैं आपको ना फर्क भी दिखा देता हूँ। अभी तो मैंने आपको कॉमन पीसीडी दिखाई, एक पीसीडी मैं आपको दिखाता हूँ स्कॉर्पियो एन की, उसी से ना देखते ही पता लग जाएगा। ये देखो नट का गैप कितना दूर है, तो ये बढ़ गया ना, सेंटर हब का सारा गैप बढ़ गया। इसी में आप नॉर्मल में जाओगे तो ये नॉर्मल देख लो, ये नॉर्मल पीसीडी है जो किसी भी गाड़ी की होती है, लगभग नॉर्मल कार्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी चाहे हाई एंड लग्जरी कार्स हुई, चाहे क्रेटा हुई, नेक्सोन हुई, जो भी हुई, ये नॉर्मल पीसीडी होती है 112 114 जो चलती है। स्कॉर्पियन की जो पीसीडी है भाई वो 139 है, जो पुरानी XUV5 डेवलॉग भी आती थी। अगर हम इस पीसीडी में 18 इंच में जाते हैं तो देखो इतना एरिया ले लिया, उसके बाद अलॉय के लिए जगह ही कितनी बचती है, कुछ भी जगह नहीं बचती। तो ये पीसीडी वाला गेम तो मैंने आपको समझा दिया कि पीसीडी का डिफरेंस है, और जो अगर हम जाते हैं 18 इंच पे तो जो हमारा अलॉय का डिजाइन है वो इतना खिलके नहीं आता, राइट भैया? अब मैं थोड़ा सा शौकीन हूँ भाई, इसीलिए भाई मेरे को अलॉयज ना थोड़े से ना मतलब मजबूत तो चाहिए चाहिए। अब मजबूती में तो भाई आरपीएम कम है ही नहीं, और सबसे बड़ी मजबूती वॉल ये बैठे भाई है। ये नॉर्मल पीसीडी में है, अब ये स्कॉर्पियन की पीसीडी में जाएगा तो इतना बढ़ जाएगा ये, ठीक है, तो इतना सा अलॉय दिखेगा यार, वो क्या दिखेगा, इसमें मजा नहीं आएगा। अब आप कहोगे विक्रम भाई 20 इंच डालोगे तो भाई ये फर्क वो फर्क, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी गाड़ी को 24,000 किलोमीटर चला लिया, हर टेरेन पे लेके चला गया, अब फिर चेंज कराऊंगा, फिर कहीं ना कहीं लेके जाऊंगा। अलॉयज और टायर्स ट्राइड एंड टेस्टेड भाई, मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ। रमन भैया ने मुझे रेकमेंड करे थे कि विक्रम भैया एक बार ये डाल के देखो, के देखो एक बार, भरोसा आपका भरोसा बढ़ेगा घटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। भैया ने भाई गारंटी ली और भैया अपनी गारंटी पे खरे उतरे। तो भैया तो यार हर चीज में खरे हैं यार, ऐसे वो है ही नहीं। ऐसे कोई बंदा कुछ भी कहना चाहे तो कुछ भी कह सकता है भाई, ठीक है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग कुछ भी कह सकते हैं। काम करेंगे, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। हमारी कोशिश यही होती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कोई कमी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी कोई अब आउट ऑफ द वे जाके कोई अगर इशू बनाना चाहता है तो बना सकता है भाई, तो किसी को मुंह थोड़ा बंद कर सकते हैं। दे आर मोर देन वेलकम टू डू इट, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो भाई 18 इंच का चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया, और 18 इंच ना लेने का एक कारण ये भी है भाई कि अपनी गाड़ी ना अभी 24,000 के अराउंड चली है, तो अगर मैं अभी टायर्स भी चेंज करता हूँ तो वो टायर्स का कोई फायदा नहीं होगा देने का, ना तो वो 3वें ना 13वें में। तो बेटर यही होगा कि पहले उन टायर्स को चला लिया जाए, देन उसके बाद हम आगे ही सोचें कि आप तब तक अपना 18 इंच में भी और सारे ऑप्शन आ जाए, ऑफ रोड का कोई ऑप्शन आ जाए, लिफ्ट का कोई ऑप्शन आ जाए गाड़ी का, तो ये सारी चीज़ों के लिए इसलिए हम अब 18 इंच पे नहीं जाएंगे। एक कन्फ्यूजन आपका मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको कन्वर्टर्स अपनी गाड़ी में लगाने चाहिए या नहीं चाहिए। एक टाइम था जब मैं भी मना करता था कि आपको स्पेसर्स ये सब अपनी गाड़ी में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन जो कन्वर्टर मैं आज अपनी स्कॉर्पियो एन के अंदर लगाऊंगा, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है, लगा के आपको दिखाऊंगा, और अगर वो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है सारी चीज ठीक है, और क्या पता मेरे को कन्वर्टर वाला पसंद आएगा या विदाउट कन्वर्टर वाला पसंद आएगा। अलॉयज भाई आज ना बिल्कुल अपनी पसंद का लेके जाना है, ठीक है ना। पूजा और एकलव ने स्पेशल बोला है हमारे को वीडियो कॉल करना या फोटो भेज देना, फाइनल आज हम करेंगे। आप एक बार डलवा लेते हो फिर आप दोबारा चेंज करने आते हो, खुद भी तंग होते हो, भैया को भी तंग करते हो, और आप लोग भी तो तंग होते हो, कहते हो फिर आप कहते हो अरे विक्रम भैया आपने अलॉय अच्छा नहीं चूज किया।
तो आज भाई आपकी चॉइस भी चलेगी, मेरी भी चलेगी। खैर आपकी तो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा, आपसे पूछ लूंगा वहां पे आके, तो भाई आपको वीडियोस में पता लगा। पर अलॉयज भाई जैसे फर्स्ट टाइम हमने बिल्कुल टोटल डिफरेंट मिलिंग कट डाला था ना, ओए हो हे, वैसे तो मेरे को ये अलॉय बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने ग्रे में कंप्लीट कराया था, मुझे उसमें भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन बस वो होता ना द चेंज इज ऑलवेज गुड। और भाई बर्थडे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट बनता है ना स्कॉर्पियो का, तो इसीलिए। तो ये तो फाइनल हो गया भाई कि हम डाल रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर 20 इंच, हम 18 पे नहीं जाएंगे। तो 20 इंच की शुरुआत भैया यहाँ से करते हैं हम। तो भाई ये आता है ऊपर, भाई मर्सिडीज में आता है, AMG आ गया, BM आ गया, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला बहुत अच्छा भैया, वो रेड एसेंट में आ रखा है थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा ग्रे में आ गया। देन ये डिजाइन भी है भाई, ये है, ये तो उसमें आता है, G-Wagon में आता है, ठीक है, ये अभी GLS में आ रहा है। अच्छा, G-Wagon का ये आने लगा है। अच्छा, वो आने लग गया है। और उसमें आपने देखा ये हमारे पास स्पेशल जो AMG किट के साथ ये वाला था ना, ओके। तो भाई ये वाला भी डल सकता है अपनी गाड़ी में। ये भाई आपको वो वाले PCD में दिखा रहा हूँ जो कन्वर्टर के साथ लगेगी, विदाउट कन्वर्टर वाले ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा अभी, अभी तो ये वाले ऑप्शन आप देख लो एंड देन फिर हम आगे जाएंगे। तो ये डिजाइन आ जाते हैं, ये हमने जाखड़ की 700 में लगवाया था, बहुत अच्छा लगा भाई ब्राबस का, बहुत ही जबरदस्त लुक आती है और बड़ा प्यारा दिखता है, हल्का सा कॉनकेव भी है ना भैया ये, हाँ अभी जो अपने स्कॉर्पियो अंदर डला हुआ ना वो भाई प्रॉपर कॉनकेव डला हुआ है। एंड ये वाला डिजाइन भी काफी चला हुआ है, बस इसमें यूं है ये भी मिलिंग कट में ही आता है, बस इसका जो कट है थोड़े से पतले कर रखे है ना भैया, इसमें भी जो कैप का कहीं जैसे क्लाइंट कहते थे हमको बल्की लुक नहीं चाहिए, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कॉनकेव नहीं चाहिए, उसमें हाँ, हमने RPM में क्या किया उसके कैप निकाल दिया, इसको कम कॉनकेव किया सो दैट ये बाहर कम आए, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल फिटिंग में भी अवेलेबल है फॉर स्कॉर्पियो, हां। तो भाई अभी आपको दिखाता हूं मैं ओरिजिनल फिटिंग में, ये वैसे नॉर्मल PCD में है 112-114 वाली में और दूसरी में भी, ये मेरा पर्सनल लास्ट ग्रेड में चल रहा है, दिस इज अच्छा, ये हाइब्रिड में है, मेरे को बड़ा पसंद है, बाकी खैर आप हर एक अभी देखा है मैंने नीचे एक थार के अंदर भी लग रहा था ये, थार में तो भाई वही कॉमन PCD है ना, तो थार में तो इजीली लग जाता है, थार में कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये भाई सिल्वर कलर के आ जाते हैं, एक टाइम होता था जब एलॉयज सिल्वर कलर में ही माने जाते थे, अब उल्टा हो गया है, अब सिल्वर क्यों, उसका कारण है भैया इट्स अ सर्कल, एक टाइम था जब क्रोम बहुत चलता था, हाँ, तो हमारी डिस्प्ले में 80% क्रोम हुआ करता था, तो क्रोम का प्रॉब्लम की वजह से आपको मालूम है क्रोम उतर जाता है, हाँ, तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं उसको, बहुत संभाल के रखना पड़ता है ना, जी जी जी। फिर उसके बाद सिल्वर का ट्रेंड आया, सिल्वर में क्या प्रॉब्लम आने लग गई, अब ऑब्वियसली जैसे व्हाइट कलर है भैया तो थोड़ा पीलापन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आफ्टर सर्टेन टाइम वो आ जाता है, ब्लैक इज समथिंग विच इज रगेड, आप केयर करो आप नहीं करो आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years ये वैसे रहने वाला, बिल्कुल। पीपल हैव आल्सो एडजस्टेड टू द फैक्ट कि ब्लैक इज ऑलवेज बेटर, और अगेन यू नो ये ट्रेंड बेस्ड है भैया हमारा काम, आज ब्लैक है कल कोई बड़ी बात नहीं, कल दोबारा शुरू होगा, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा दोस्त उसके नाम में डरवाए थे, उसके पापा बोले अरे बेटा ब्लैक कलर के लोग थोड़ा ना होते हैं भाई, हम स्पेशल दोबारा गए और चेंज करा के आए फिर सिल्वर कलर में डलवाए, तो सिल्वर कोई पसंद नहीं करता, तो हम भी नहीं जाएंगे भाई आज की डेट में, तो हम भी भाई बढ़ते भारत के भाई बढ़ते नागरिक है भी भाई अच्छे वाला डिजाइन चूज करेंगे। वैसे भैया के यहाँ तो भाई सारे ही डिजाइन अच्छे हैं यार, किसकी बुराई करूँ किसकी अच्छाई करूँ, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा यार, भैया तो ना आगे ना इतना कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज्यादा। इस इंच में बहुत ज्यादा डिजाइन है, 22 में चलेंगे इस बार 22 इंच डलवा लूँ, अरे 22 में तो मेरे को ना फिर टायर प्रोफाइल बिल्कुल 40 करनी पड़ेगी ना भाई ना, फिर तो मैं उस गाड़ी को ना जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे डलवा के गया था ना सीधा यहाँ से गया था अमृतसर, तो मैं ना बिल्कुल स्लो चला रहा था और मैंने ना गाड़ी मतलब फर्स्ट टाइम मैंने 20 इंच डलवाया था यार, मैं 18 से ऊपर नहीं डलवाता था, मेरे को साइड वॉल बड़ी पसंद थी, भैया भी उससे यही कह रहे थे, बोला मैं भैया से बहुत झगड़ा, नहीं 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 मेरे को 18 इंच डाल दो 18 डाल दो 18 डाल दो, मैंने रट लगा रखी थी और जिद्दी बच्चा ना मैं नहीं मानूंगा वो ऐसे कर रखा था मैंने, पर भैया बोले आप 20 इंच डाल के देखो, डलने के बाद वह बहुत सुंदर लगे। उसके बाद मैं जैसे ही हाईवे पर लेके चला तो भाई मैं बहुत डर के चला रहा था भैया सच में, मैं तो मैं यार ये तो यार कमाल हो गया यार, ऐसे कैसे बात बनेगी, ये तो बहुत स्लो चला रहा हूँ भाई, एकदम से गाड़ी गई गड्ढे में ऐसे, मैं भाई गया अलॉय हो गया काम, ये तो मैं उतरा मैंने उतर के देखा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद तो भाई साहब जिगरा ऐसा हो गया अरे ये तो कहीं से भी कूद जाएगी, उसके बाद मैंने आज तक ना स्कॉर्पियो को कभी ऐसे उतर के देखा कि कुछ हुआ है नहीं हुआ, इवन सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कॉर्पियो के अंदर तो ना भाई आप 20 इंच डलवाओ ही डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 275-45-20 आराम से डलवाओ। खैर हमारे को इस गाड़ी को आपको मैंने कहा था कि हम लिफ्ट भी करेंगे, वो लिफ्ट वाला प्रोसेस अभी चल रहा है, जब लिफ्ट करेंगे तो फिर हम ये वाले डिजाइन पे नहीं जाएंगे, हम इस टाइप वाले ऑफ रोड वाले पे जाएंगे, अभी के लिए उसके लिए समय है, अभी पूरी R&D कंप्लीट हुई नहीं है, अभी भी चली रही है क्या भैया? भैया अभी जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे मैंने आपको पहले बोला मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी, तो कारण क्या है कि बड़ी गाड़ी है बॉडी रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है हमने कुछ गाड़ियों का क्लाइंट्स ने लगवाए हैं, बट वही है कि जब तक सेल्फ सेटिस्फैक्शन और लगाने के बाद मुझे ऐसी टेंशन नहीं हो कि यार ये गाड़ी में लगा दिया इसका क्या होगा,
छह महीने के बाद साल के बाद क्लाइंट वापस आता है, देन वी फील वेरी बैड। उसका कारण क्या है, हमारे पास ज्यादातर क्लाइंटेज जो है आउटस्टेशन क्लाइंटेज है, तो आप व्हील्स लगवाने तो शौक से एक बारी जरूर आते हो, कंप्लेंट लेकर आना बहुत दुखी, मतलब ना बहुत हैवी वर्क लगता है, तो और हमें भी हमारे भी लगता है समवन हैज ट्रैवल्ड अ डे जस्ट टू गेट द टायर क्लेम्ड और फॉर दैट मैटर्स अलॉय क्लेम्ड और गेट अ कंप्लेंट। तो हमारी ये होती है कि यार मैं जब मैं 100% सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया हम लगा सकते हैं। आप आपको याद होगा अभी रिसेंटली हमने एक स्कॉर्पियन में लगाया भी था कन्वर्टर, वो भी बहुत यू नो स्केप्टिकल थे इस बारे में कि इसको लगाना है या नहीं लगाना है। आई थिंक आज 2-3 महीने हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने आपको बोला होगा कि कोई इशू नहीं, नहीं कोई इशू नहीं आया। इस इंच में ना आपको अगर 85-50-20 टायर प्रोफाइल डलवानी है जो अपना डलती है फॉर्च्यूनर में एंडेवर में डलती है, तो उसके लिए आपको स्कॉर्पियन के अंदर ना हल्की सी ऑल्ट्रेशन करानी पड़ती है, जो पर्सनली मैं नहीं बोलता कि आपको करनी चाहिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं रेकमेंड करता भाई ये चीज़, ना रमन भैया कहते, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद ही आ गई, वो कहते हैं रमन भैया कहते हैं, और गरारी अगर वहाँ अटक गई तो बंदा कहता भाई वट दे वट दे। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की बात आती है, अब कोई क्लाइंट आके बोल रहा है 20 इंच लगवाना है, मेरी गाड़ी रफ भी चलती है, अब हम उसकी हमें हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। अब उसने प्रॉब्लम बताई है कि यार मेरे को 20 लगाना है पर मुझे गाड़ी भी रफ चलानी है, देन वी आर नॉट लेफ्ट विद मोर ऑप्शंस। मैं अब उसको बोलूँ कि यार 45 के साथ आप चलो, हम उसको एक्सट्रीम लेकर जा रहे हैं, हमें नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा, नहीं होगा नहीं, उसकी पॉसिबिलिटीज और प्रॉबिलिटीज बढ़ जाती हैं, 50 लगाने में वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम उसकी उसको कम्फर्ट को और उसको पॉसिबिलिटी को कम कर रहे हैं तो हमको स्लाइटली ऑल्टरेशन की तरफ जाना जाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए यू नो माइंड मेकअप होना बहुत जरूरी है। गाड़ी खराब नहीं होती है बट ऑल्टरेशंस आर ऑल्टरेशंस है ना, तो अगर खराब होती है तो चेसिस जो काटते हैं थोड़ा बॉडी का जो एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसके बाद का वो, पर वही बात है भाई, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं पसंद, सिंपल हम यही कहते हैं अगर आपको पसंद है तो आप कराइए, अगर आपके मन में इतना सा भी वहम है तो मत करो। हां वहम है तो मत करो भाई, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं, और मेरे अंदर एक बार वहम बढ़ जाता है ना भाई मेरा वहम ना निकला करता, तो वही बात है मैं आपको ना टोटली क्लियर ही बताता हूं ये सारी चीजें, तभी तो भाई आप मानते हो ना कि हां विक्रम भाई ने कहा तो ये चीज ऐसे होगी। वही है भाई, जैसे आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा बना रखा है तो मेरा भरोसा भैया रमन भैया के ऊपर है, मेरा भी भरोसा पूरा ऐसे ही अडिग है, सॉलिड रॉक स्ट्रॉन्ग जैसा होता ना बिल्कुल वही वाला। और मैं अगर 285-50-20 डलवाऊंगा अपनी गाड़ी में तो वो तब डलवाऊंगा जब मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा लिफ्ट करा लूंगा, ताकि मेरे को उस ऑल्ट्रेशन पे ना जाना पड़े। रमन भैया ने मुझे बोला था कि फर्स्ट टाइम भी जब ये मिलिंग वाले हमने अलॉय डाले थे, आप 285 डाल दो, 50-20 डाल लो, सही चलेगा, उसमें आप कहीं भी गाड़ी को लेके जा सकते हो, 45 में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन भाई मेरा ना डर खुल चुका है 275-45-20 पे, जो ये टायर्स मेरे अंदर डल, जो मेरे अंदर नहीं भाई मेरी स्कॉर्पियो में जो डला हुआ है इसके ऊपर भाई मेरा ठेठ खुल चुका है, मेरा डर खुल चुका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती भाई। हम डलवाएंगे 20 इंच, अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन फाइनल करते हैं फिर शॉर्टलिस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो भाई बड़ी देर की जद्दोजहद के बाद भाई हमने डिज़ाइन फाइनल कर लिए हैं, एंड कौन कौन से करे हैं, एक तो भाई मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है रेड वाला, एंड बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आप बताना भाई कैसा लगेगा, क्योंकि अपन ने कैलिपर्स भी रेड कर रखे हैं, हालांकि सेम ऐसे रेड नहीं है, अगर ये हमारे को जचा और हमने ये फाइनल किया तो हम कैलिपर्स भी सेम इसी रेड कलर में फिर पेंट करा देंगे, वो वाला रेड हटा देंगे, सेम इसी का हम सिल्वर, इसमें डिज़ाइन पैटर्न अलग है एक ये वाला, एंड ये तो सेम होगा बस इसकी ये चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। और इधर से भैया ने चूज़ किया था एक ये वाला कर रहे हैं हम, ठीक है, एक ये ऑडियो वाला जो डिज़ाइन है ये, तो ये डिजाइन भाई हमने फाइनल किए हैं। आपने अपनी फॉर्च्यूनर में अभी चेंज नहीं करे है ना, थार में तो बहुत चेंज करते थे आप है ना, थार में तो हर चक्कर में आता था ना भाई, हर बार एक नया डिजाइन लगा हुआ मिलता था थार के अंदर, तो थार तो गाड़ी भी ऐसे ना रोज उसमें लाख रुपए डाल दो तब भी कम है उसके लिए। फॉर्च्यूनर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अभी क्या हुआ है कि एक वो मन पसंद चीज होती है ना, अच्छा वो गरारी फंसी नहीं है, अच्छा वो गरारी नहीं फंसी, अच्छा जब पता है कि अभी नया साल आ रहा है, हम लोग वी आर अबाउट टू लॉन्च समथिंग वेरी वेरी न्यू, इफ मोदी जी अलाउज, मोदी जी अलाउ कर दो यार, ऐसे मत करो यार अलाउ इसके ऊपर, यार हम जैसे शौकीन लोग कहां जाएंगे, अगर भाई मोदी जी आप इतनी चीजें महंगी कर दोगे, इतना टैक्स बढ़ा दोगे, तो ऑल इन ऑल भाई भुगतना किसको पड़ेगा, आम आदमी को, कस्टमर को भाई फर्क पड़ता है, तो वही है भाई इतने टैक्सेस मत बढ़ाओ प्लीज यार, फर्क पड़ता है। बाकी तो ये सेम पीसीडी स्कॉर्पियो एन की भैया ने अलग से लगा रखी है कि भाई जिसको अपना विदाउट कन्वर्टर्स लगाने तो वो यहाँ से अपना लगा सकता है। जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तब वी ऑलवेज न्यू कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तभी मैंने कन्वर्टर्स खुद अपने हाथ में पकड़े, मैंने कहा यार इसको अगर हम शॉर्ट कर देना तो हम बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस इन फ्रॉम द लास्ट 3 or 4 years जब से हमने इसको अपने अंदर रखा है, वी इवन गॉट इवन ए सिंगल कंप्लेंट, मैं बड़ा प्राउडली बोल सकता हूँ मेरे पास ए सिंगल कंप्लेंट नहीं है इसका। कन्वर्टर्स कैसे बनते हैं, क्या है, क्या उसका प्रोसेस है, और कौन सा कन्वर्टर आपको लगवाना चाहिए और कौन सा नहीं लगवाना चाहिए, ये भी एक कन्वर्टर मंगवाते हैं, दोनों तरह के मंगवाना भैया। हाँ
ठीक है, तो डिफरेंस भी आपको भी पता लग जाएगा। और फिर हम नीचे गाड़ी के पास चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा हमारे को अलॉयस लगवाना चाहिए, कौन सा मस्त लग रहा है। तो सबसे पहले भाई ना कन्वर्टर्स का जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर करते हैं, क्योंकि मेरे को भी भाई कन्फ्यूजन है। हालांकि मेरा कन्फ्यूजन तो भैया ने एक बार पहले भी दूर कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार ना डिटेल्ड में ना क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पास ना दो कन्वर्टर है, एक तो ये स्पेशली मेड फॉर स्कॉर्पियन है, ठीक है। और भैया जो कन्वर्टर्स बनवाते हैं, कुछ कन्वर्टर्स यूनिवर्सल बनते हैं, कुछ कन्वर्टर्स ऐसे बनते हैं जो स्पेसिफिकली ना उसी गाड़ी के लिए होते हैं। जैसे हमारी नैनो थी, नैनो के अंदर ना 3 होल आते हैं और उसके अंदर हमने ना 4 होल वाला किया था, तो उसमें हमने ना ऐसे ही कस्टमाइज्ड कन्वर्टर बनाए थे नैनो के लिए। तो सेम एक तो ये हो गया स्कॉर्पियन के लिए। एक है ये वाला, मोटा है, आप सोच रहे हो कि बहुत भारी है, लेकिन वजन में ये ज़्यादा भारी है। ये एल्यूमिनियम का है, ये है उस मटेरियल का जिस मटेरियल का ओरिजिनल आपका हब बनता है। अब बात यहाँ नहीं है कि हाँ इसको बना दे कोई बना देगा, इसको बनाने के लिए एक प्रिसीजन चाहिए, वो भैया बताएंगे डिटेल वो कैसे होता है। ये वाले बनाते हैं खुद, इसमें पहले प्राइमर होता है, प्राइमर का कोट, उस हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद पेंट, देन हीट ट्रीटमेंट, ताकि ये जो रस्ट नहीं कभी भी लगे। जो हब्स हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, मैंने पहले भी बताया था। सबसे ज़रूरी क्या होता है, इसकी कटिंग, जो अमूमन तौर पर जैसे लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में बात करी थी, वो लोग 5000 RPM पे करते हैं, मैं 500 RPM पे करता हूँ। उसका मतलब क्या है, जो उसकी कटिंग हो रही है, जो ये कटिंग्स हो रही हैं पीछे से, हाँ पीछे से जो कटिंग हो रही है, इसकी एक स्पीड होती है, उस स्पीड अगर हम कम स्पीड पे रखेंगे उसमें वाइब्रेशन नहीं आती है। बाल बराबर भी अगर फर्क आ गया तो वो वॉबल मारता है, वॉबल करेगा, चाहे वो 130 पे करे 140 पे करे। लोग कहेंगे हम नहीं चलाते हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को ये पता 180 तक वॉबल नहीं करनी चाहिए, ठीक बात। दैट इज व्हाट, जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो वो आप 100% करते हैं, आप ये सोच के नहीं करते हैं कि यार इसकी लिमिटेशन है, अगर गाड़ी की स्पीड 180 है तो मैं 180 तक बनाऊंगा। उसके बाद दूसरी आ जाती है इसकी ड्रिलिंग, आपने ड्रिल्स में देखा है तो प्रॉपर निशाने बने हुए। ये वाले होल्स होते हैं, ये होते हैं 0.25 मतलब 250 RPM पे, 300 RPM पे, पिच नहीं रुकेगी तो वो बैठेगा नहीं, नहीं और बैठेगा। जब नहीं बैठेगा तो वो वॉबल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अक्सर अमूमन तौर पे मेरे पास यही एक वो होता है कि भैया कन्वर्टर का एक ऐसा मिथ बना रखा है कि इसमें वॉबलिंग आती है, डेफिनेटली आती है, मैं नहीं कहता हूँ नहीं आती है, बट अगेन देयर वॉज अ प्रॉब्लम एंड वी फाइंड फॉर सोल्यूशन, हमने ढूंढा उसका, ठीक है। अभी इसमें क्या है, कहने के लिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज़ फार बेटर, हियर इट इज़ बेटर, बट इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, गर्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज बदला जाएगा, ठीक है। उस पर अगर आप इसमें देखोगे तो उसमें नहीं है इतनी डिटेल्स नहीं है। उसका कारण है प्रोडक्शन में बनाना है। अब किसी ने एक मशीन लगाई है, लेबर रखे है, अब उसने उसकी कॉस्टिंग तो निकालनी है, दिन में मैं कितने प्रोडक्शन निकालता हूँ, कितने पीस निकालता हूँ, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये ठीक है, हमने मशीन लगाई है, हमारे अपने काम के लिए, कि मैं अगर एक किसी क्लाइंट को चीज़ लगा दूँ तो उसमें कभी वाइब्रेशन नहीं आए। दैट देखो और है क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये नट हमारे आपके लग गए, ये वाले हमने सेम कंपनी के लगा दिए, इस पर नट लग गए, तो इसमें कोई चेंजेस तो है नहीं। फ़र्क कहाँ आता है, सिर्फ यही इसके पिच सही होना चाहिए, इसका बोल्ट कंपनी, अब ये अराउंड 250 का एक बोल्ट आता है देसी, ये ओरिजिनल वही स्टील का है जो भाई आपका ओरिजिनल स्टड आता है आपकी गाड़ियों के अंदर, सेम वही वाला स्टड डला हुआ है। अभी उसको 50 रुपये का लगा दो तो 200 रुपये एक पीस में बचा के आपने 800 रुपये वहाँ बचा लिए। तो इसलिए कॉस्ट हमारे लिए सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, हमारे लिए इनहाउस यूजेबल प्रोडक्ट है, हम एंड इसको यूज़ करते हैं, अपने क्लाइंट्स को लगा देते हैं। सो मुझे पता है मैंने लगा दिया, मैं सेफ हूँ। आई थिंक आपका नैनो में लग गया, आपके फ्रेंड्स के उसमें लगा, प्रॉब्लम होती कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वहाँ से कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमारे सामने आती, बिल्कुल ठीक। अगर नहीं आई, अच्छा आपके साथ तो हो चुका है, मैं ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा नहीं बोलूँ तो 1000 गाड़ी प्लस तो मैं लगा चुका, बिल्कुल। कहीं कंप्लेंट आती तो मैं उसको ठीक करता, मैं नहीं कहता यार मैं कोई आई एम नॉट गॉड कि मैं गलती नहीं करूँगा, ठीक बात। बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अगर आती तो हम उसको ठीक करते हैं, बिल्कुल। और आफ्टर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अब तो इतना तो हो गया कि इसमें हमने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है करने के लिए। और इसमें भाई एक चीज़ और भी है कि ज़्यादा मोटा जो हम स्पेसर बोल लो, कन्वर्टर्स बोल लो, तो वो लगाने से अलॉयज भार आ जाते हैं, तो इसको ना इस तरीके से बनाया गया। हाँ थोड़ा बहुत 19-20 भार आएगा, क्योंकि देखो एक हब के ऊपर आपका एक एक्स्ट्रा लग रहा है, पर इतना नहीं आएगा कि आपका बहुत ही ज़्यादा आउट हो जाएगा। ये तो ये भी एक बहुत मायने वाली चीज़, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ पे भी अब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है, हाँ। अब हमें फोन करके कस्टमर ये पूछता है 1 इंच का पड़ा है, 2 इंच का पड़ा है, 3 इंच का पड़ा है, हाँ। कहीं क्लाइंट्स को बाहर निकालना है, हाँ, कहीं को निकालना होता है। मोर ऑफर देन नॉट स्कॉर्पियन का क्लाइंट ऐसा होता है, मैं पर्सनली बोलता हूँ भाई बाहर मत निकालो इसको, इसको सफारी मत बनाओ, मुझे थोड़ा सा हल्का सा फेंडर लाइनिंग के बराबर या हल्का आधा 1 इंच बाहर चलता है, ज्यादा बाहर मेरे को नहीं चलता, बस इतना ही होना चाहिए। भैया ने ये तो बता दिया, अब एक बार लगा के देखेंगे कि क्या हम कन्वर्टर्स के साथ जाएंगे या विदाउट कन्वर्टर्स पे रहेंगे। एक हमारी गाड़ी सोनी नहीं बनती, यहाँ पे और भी गाड़ियाँ सोनी बनती हैं। थार में देखो यार कितने गजब के अलॉयज लग रहे हैं। और ये जब कम्फोर्सर नया नया ब्रांड आया था ना भाई, लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन आज की डेट में कम्फोर्सर एक ब्रांड हो रखा है इंडिया में, नाम हो रखा है इसका पूरा। बहुत अच्छा चलता
हाँ तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। खैर अभी इसके अंदर भाई बम्पर ग्रिल वगैरह काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि भैया खाली टायर्स वगैरह चेंज नहीं करते ना भाई, भैया भाई साहब एक्सेसरीज भी तो लगाते हैं। भैया का शोरूम भी है ना इधर, कारोबार अभी दिखा देते हैं आपको किधर है। ये गाड़ी अब उधर ही जा रही है, ये जस्ट थोड़ी सी जगह आगे बढ़ के आपको कारोबार मिलेगा। हाँ, आप अपने गाड़ियों का कारोबार कर सकते हो, मतलब अपनी गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लगवा सकते हो भाई, ठीक है। तो वन स्टॉप शॉप बना रखा भैया ने अभी यहाँ पे, हब कर दिया पूरा कंप्लीट। देखो भाई कितना फ़र्क है, यहाँ हमारा टायर लगता है, ये ओरिजिनल हमारे स्टड हो गए, ठीक है। तो ओरिजिनल स्टड में हमारा ये हब लग गया, एंड देन ये आगे नट इसमें, ठीक है जी। तो कितना भार हुआ ये आप मान के चलो, हाँ एक इंची से थोड़ा सा बड़ा मान सकते हैं, तो ठीक है यार इतना तो थोड़ा बहुत भाई हमारे को चाहिए भी, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको पता है मैं थोड़ा सा जो टायर अलॉय है ना लाइन के बराबर होना चाहिए या हल्का सा बाहर होना चाहिए। अब एक बार ना टायर्स रेडी करवाता हूँ, फिर देखते हैं कौन सा डिज़ाइन हमारे को इसमें समझ में आता है। तो अभी भाई हमने ना एक कन्वर्टर के साथ डाला है और एक डाला है हमने मिलिंग कट का ही नया पैटर्न, ये हमारा विदाउट कन्वर्टर है। तो ये टायर भाई देखो अब जाता है कहाँ पे, फेंडर लाइनिंग के ये अंदर चला गया, ये देखो, ठीक है ना। लगभग आप इसको ये कह सकते हो कि बराबर से हल्का सा ही अंदर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कॉनकेव कम है, पहले वाला जो हमारा था उसके अंदर ना कॉनकेव बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से वो टायर थोड़ा सा हल्का सा ना फेंडर लाइनिंग के बाहर था। अब जो हमारा आगे वाला टायर है ये लगा हुआ है भाई कन्वर्टर्स के साथ, तो ये टायर देखो हालांकि कॉनकेव नहीं है फिर भी ये टायर पीछे वाले टायर से भाई हल्का सा बाहर है। वो क्यों है, क्योंकि भाई इसके अंदर भाई लगा हुआ है कन्वर्टर, तो कन्वर्टर के कारण ये हल्का सा मैंने बताया ना 1.25 इंची बाहर आ गया, और वो कॉनकेव है तो इसीलिए वो थोड़ा सा बराबर है। बाकी भाई अब आप यहाँ से देख सकते हो आपको कौन सा डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादा समझ में आ रहा है। मेरे को भाई थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ज़्यादा पसंद आता है, ये आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? बहुत कुछ करने हैं, कह रहे हैं अभी इन दो डिजाइन पे नहीं रुकेंगे। तो जस्ट मैं आपको ना ये क्लियर कर रहा था कन्वर्टर्स पे जाएं या विदाउट कन्वर्टर जाएं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कन्वर्टर्स पे हम जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो कन्वर्टर बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया, बिल्कुल क्लियर कट बताया कि कैसा कन्वर्टर आपको अपनी गाड़ी के अंदर लगाना है, तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज भाई मत जाना कन्वर्टर पे अगर आपको वैसा कन्वर्टर नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे को टायर कितना भार रखना है, मेरे को टायर थोड़ा सा हल्का सा यार भार अच्छा लगता है, अंदर वाला टायर ना था दब दब, फिर तो भाई वो कंपनी वाला अलॉय ने डाल लेता अगर मेरे को अंदर रखना होता। बाकी आप बताना भाई इसे वाला टायर लगाएंगे, देखते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी है भाई, कब ये कन्फ्यूजन दूर होगा। रमन भैया इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इतने सारे ऑप्शंस देके ना भागना पगला जाता है बिल्कुल। कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे, ना टाइम लग रहा है, इतना डिटेल में आपको सारी चीज़ बता रहे हैं तो ऐसे थोड़ा पता लग जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, वो आपको अब अगले वीडियो में पता लगेगा कि हम कन्वर्टर पे जाएंगे या विदाउट कन्वर्टर पे जाएंगे। पापा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।